हेलो हेलो। मोजर पैलेस की बैटिंग मोजर पैलेस मोजर पॅलेस फलंदाजीसाठी सज्ज झालेले आहेत. फलंदाजीसाठी आहे तो, स्ट्राईक घेतो तो. फलंदाजचं नाव फलंदाज, स्ट्राईक बॅट्समन नेम भाविन. आता जर बघितलं तर पहिले चेंड षटक घेऊन येतो तो. बॉलरचं नाव हिरा. आता जर बघितलं तर पंचांचा हात हवेत. अवंतर धाव या एका धावेने संघाचं खातं उघडलेलं आहे. एक चेंडू टाकून एक धाव कंप्लीट झालेली आहे. आता जर बघितलं तर चेंडू जातोय तो निर्धाव. आता बघितलं तर मोठा फटका खेळण्याच्या नादामध्ये चेंडू जातोय तो निर्धाव. तीन चेंडू टाकून झालेले आहेत, एक धाव दिलेले आहे. जबरदस्त गोलंदाज हिराबाई. आता जर बघितलं तर पंचांचा हात हवेत, फलंदाज बाद होतोय. शुभम येतोय, हलक्या त्याने कट केलेला आहे फलंदाज. एक धाव कंप्लीट झालेली आहे. एका धावेने संघाची धावसंख्या झालेली आहे दोन. शेवटचा चेंडू असेल पहिल्या षटकातील. संघाची धावसंख्या झालेली आहे ती दोन. आता येतो तो स्ट्राईक वर भावेश. आवेश शेवटचा चेंडू. आता जर बघितलं तर गडीज बाद होतोय. चेंडू जरा खाली राहतोय, एनएसटी गोल होतोय. फलंदाज बाद. षटक संपलेलं आहे पहिलं. संघाची धावसंख्या झालेली आहे ती दोन. षटक संपलेलं आहे पहिलं. संघाची धावसंख्या झालेली आहे फक्त दोन. दुसरं षटक घेऊन येतो तो गोलंदाजचं नाव संकेत. शुभम. आता बघितलं तर पंचांचा हात हवेत. अवंतर धाव. एका धावेने संघाची धावसंख्या वाढत चाललेली आहे ती तीन धावा. आता बघितलं तर एसटी गोल झालेले आहेत. शुभम सारखा मोठा फलंदाज तंबूच्या ताब्यामध्ये. शुभमला काही चेंडू काही समजला नाहीये आणि त्याची एसटी गोल होतोय. फलंदाज बाद. आता बघितलं तर चेंडू टॅप केलेला आहे. विजय आलेला आहे थ्रो केलेला आहे चेंडूवर.
चेंडू मध्ये काहीच धाव घेतलेली नाहीये. आता बघितलं तर ब्रिजेन यांच्या चेंडू क्षेत्ररक्षण खूपच चांगले केलेले आहेत. एक धाव कंप्लीट केलेले आहे. एका धावाने संघाची धावसंख्या वाढत चाललेली आहे. ती फलंदाजासाठी विनोद. आता बघितलं तर हलक्या त्याने कट केलेल्या रनआउटची संधी होती. टोपा मार्फत काहीतरी चेंडू पकडला नाहीये. चेंडू जातोय तो निर्धाव. आता जर बघितलं तर एक धाव कंप्लीट. एका धावाने संघाची धावसंख्या झालेली आहे पाच. पाच धाव झालेल्या आहेत. शेवटचा चेंडू असेल दुसऱ्या षटकातील. संघाची धावसंख्या झाली आहे पाच. आता बघितला तर फुलटॉस चेंडू फलंदाज बाद. नॉन स्ट्राइकर. काफी अच्छी बॉलिंग. काफी अच्छी बॉलिंग. बॅट्समन बीट होतो. वा तीन बॉल तीन डॉट. डायरेक्ट हिट नो डाउट. ट्रैक पे धीरज. गुड बॉल. सात रन हो गए. डॉट बॉल. तीन ओवर सात रन. मोजर्स पैलेस. बॉलिंग पे प्रतीक. स्ट्राइक पे धीरज. फर्स्ट बॉल नो रन. फुल टॉस छह रन.
गुड बॉल. सिंगल. विनोद स्ट्राइक पे. रन आउट का चांस. नो. लास्ट बॉल टू गो. लास्ट बॉल चौथे ओवर का. और रन आउट. पंद्रह रन चार ओवर पांच विकेट. ग्यारह. बैट्समैन नेम. बैट्समैन ब्रिजन बॉलिंग. लास्ट ओवर ये इनिंग का. फर्स्ट बॉल डॉट बॉल. गुड बॉलिंग. व्हाट अ कैच. गुड कैच बाय धीरज. पार्थिक स्ट्राइक पे. गुड शॉट. और एक रन. और रन होते हुए 16. तीन बॉल बाकी है इनिंग के. विनोद स्ट्राइक पे. डॉट स्टंपिंग. नहीं नहीं नॉट आउट. बहुत ही अच्छी बॉलिंग डी क्रिक मास्टर से. फुल टॉस 6 रन. स्कोर होता हुआ 22 रन. एक बॉल लास्ट का बॉल बाकी ये इनिंग का. फुल टॉस एक रन. 23 रन 24 टू विन. मोजर पैलेस को जीतने के लिए 24 रन चाहिए. नहीं डी क्रिक मास्टर नहीं है. लास्ट का रन नहीं है. 23 टू विन डी क्रिक मास्टर. मोजर पैलेस जल्दी फील्डिंग लगाए. अंपायर मैच स्टार्ट करो. अंपायर्स ओके ओके.
डी क्रिक मास्टर से ओपनिंग करते हुए ब्रिजेन एंड प्रतीक, और मोजर पैलेस से बॉलिंग का फर्स्ट ओवर डालते हुए आवेश। तेईस रन बनाने हैं 30 बॉल में। फर्स्ट बॉल सेकेंड इनिंग का। अंपायर जल्दी से अंदर आ जाए। फर्स्ट बॉल सेकेंड इनिंग का सिंगल, सिंगल के लिए ढकेलते हुए ब्रिजेन, एक बॉल एक रन। स्ट्राइक पर प्रदीप, बहुत ही अच्छा सिंगल लेते हुए। दो बॉल दो रन। गुड शॉट और रन आउट। प्रतीक रन आउट होते हुए। नेक्स्ट बैट्समैन इज वैभव। तीन बॉल दो रन। गुड शॉट एक रन। हमारे कमेंटेटर यहाँ पे आते हुए रॉकी भाई, गुड शॉट बाय बाय बो सिंगल। कम बहुत ही कम रन चेस करने हैं तो बड़े हिट मारने की जरूरत नहीं। बहुत ही बेहतरीन शॉट खेलते हुए ब्रिजेन। पहले ओवर की समाप्ति पे स्कोर हो गया 5 रन एक विकेट। द क्रिक मास्टर्स को चाहिए 23 रन, 5 रन हो चुके हैं, 4 ओवर में चाहिए 18 रन। एक विकेट रन आउट के रूप में खो चुके हैं प्रतीक की। लंबा शॉट मारने की कोशिश पर काफी अच्छी गेंदबाजी, फुल बॉल योगा बॉल। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी डाली है और ब्रिजेन अपना विकेट गवा चुके हैं 23 रन का टारगेट लंबा करते हुए। और अगले बैट्समैन आते हुए परवेज, लेफ्ट हैंड राइट का कॉम्बिनेशन, ये स्ट्रेटेजी से उन्होंने प्लेयर को उतारा है।
टू बॉल्स फोर टू गो. बहुत ही बेहतरीन शॉट मारा है परवेज ने. परवेज जो कि पर्दे के काफी अच्छे प्लेयर है, काफी अच्छे सिंगल्स देने हैं माहिर है, वही किया उन्होंने अभी ये बॉल पे. अब देखना चाहेगा वैभव की क्या स्ट्रेटेजी होती है. शायद वाइड हो सकता था पर वैभव ने अपने इंस्टिंक्ट को बिलीव किया और लंबा हिट मारने की कोशिश की पर एक रन मिल गया है. चार गेंद हो चुकी है, सात रन हो चुके हैं, दो विकेट गवा चुके हैं. शायद कैच हो सकता था, काफी अच्छी गेंदबाजी. वन टू गो. काफी बेहतरीन बॉलिंग है. दो ओवर की समाप्ति पे स्कोर हो चुका है सात रन. जो खासियत है मुजर पैलेस की अभी इस गेंदबाजी में वो है उन्होंने एक भी वाइड नहीं डाले अब तक. सात के सात रन बैट्समैन ने बैट से लिए हैं. अब देखना चाहेंगे ये अगली इंपॉर्टेंट ओवर लेके कौन आ रहे हैं. स्ट्राइक पे वैभव, नॉन स्ट्राइक पे परवेज. भाई बॉलर्स नेम प्लीज. सॉरी बॉलर्स नेम भाविन. ओके भाविन आचार्य. लंबा शॉट मारने की कोशिश, देखना रन आउट है कि नहीं, और ये मिस कर दिया है. एक रन काफी अच्छा चुरा लिया है. एवरी रन इज इंपॉर्टेंट. एक रन बचाना इंपॉर्टेंट है बॉलिंग टीम को, एक रन मारना इंपॉर्टेंट है बैटिंग टीम को. सभी फील्डर्स आगे लगा दिए हैं. What a beautiful shot, excellent shot, straight as an arrow, एकदम straight गया stump के ऊपर से. सिर्फ एक ही जन को चांस था बॉल पकड़ने का, वो था बॉलर को, पर वो राउंड द विकेट से डाल रहे थे और बॉल गई है उनके ऑफ साइड से, तो शायद वो पकड़ नहीं पाए. पर काफी अच्छा शॉट मारा है परवेज ने. एक और आ गया के मारने का शॉट और एक कैच छोड़ दिया है. सीधा सीधा कैच था पर छोड़ दिया है उन्होंने. तीन गेंदों में आए हैं छह रन और स्कोर बढ़ता हुआ 13 रन. लंबा शॉट मारने की कोशिश की पर नाकामयाब हुए. एवरी रन इज इंपॉर्टेंट. एक रन भी काफी इंपॉर्टेंट है टीम के लिए. स्कोर बढ़ता हुआ 14 रन पांच बॉल के बाद. ओके चार बॉल हुआ, सॉरी मिस्टेक हो गया हमारे स्कोरर से. और काफी अच्छे दिमाग से परवेज ने बॉलर को वाइड डालने में मजबूर किया क्योंकि वो आगे जाने का निशाना दे रहे थे. राहुल राहुल आप जहां कभी हो एम्पायर को मिल लीजिए. एम्पायर को एक रूल में कंफ्यूजन है,
जो भी रहेगा आप बात कर लीजिए उनसे। एक कैप्टन आ जाइए बॉलिंग टीम के। नो डाउट इज द कॉल।
काफी पांच गेंद हो चुकी है इस ओवर में, स्कोर हो गया है 15 रन, 8 रनों की जरूरत है 13 गेंदों में। स्वीप करने की कोशिश की पर नाकामयाब हुए, 2 ओवर में चाहिए 8 रन। तेबिस टू विन है भाई, स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ, तेबिस टू विन है। भाई लास्ट बॉल रन आउट हुआ है,
मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ 23 रन 23 रन, कोई बोल ही नहीं रहा है। मैं स्टार्ट से बोल रहा हूँ 23 रन टारगेट है। आठ रन चाहिए दो ओवर में। और अगर आप लोग, मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ, आप लोगों को पहले मेरे से डिस्कस करना चाहिए था ये चीज। मैं स्टार्टिंग से तुमसे 18 बॉल बोल चुका हूँ, 23 रन का टारगेट है। काफी अच्छी बॉलिंग डाली शिवम ने। पहला बॉल वाइड था, 11 गेंदों में 7 रन की जरूरत। That's a white ball. काफी अच्छी बॉलिंग और बैटिंग दोनों की तरफ से इक्वल है। बहुत ही बढ़िया शॉट मारा है धीरज ने, 4 रनों की जरूरत है। That's a white ball. 3 white डाल चुके हैं शिवम इस ओवर में। Yes, that's a white ball and it is a stumping. Yes, 4 white डाले हैं शिवम ने इस ओवर में और 2 सिंगल आए हैं। स्कोर बढ़ता हुआ 21 रन, सिर्फ 2 रनों की जरूरत है। चार बॉल हुए हैं। लंबा शॉट मारने की कोशिश पर काफी अच्छी गेंद डाली है शिवम ने यहां पे। मैं जो पहले तारीफ कर रहा था, जो 3 ओवर डाली है फर्स्ट सेकंड और थर्ड, तीनों ओवर में एक भी वाइड नहीं आया है और यहां पे शिवम ने 5 वाइड डाल के गेम पूरा का पूरा दे दिया है द क्रिक मास्टर्स को। यस, दैट्स अ विन फॉर द क्रिक मास्टर्स एंड क्रिक मास्टर्स एंड डीसेंट 11 हैव क्वालिफाइड फॉर द नेक्स्ट राउंड। जो हमारा अगला मैच है वो एक नॉर्मल मैच रहेगा, कोई जीते कोई हारे कोई फर्क नहीं रहेगा। फिर जो 6th मैच है द क्रिक मास्टर्स और डिसेंट 11 का, वो रहेगा टॉप 2 पोजीशंस के लिए। 2 मैचेस बाकी है बी ग्रुप की।